नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के कई जिलों में अब तक मोटर वाहन चालान प्रशिक्षण संस्थान को खोले जाने का काम किया जा चुका है, जिसके बाद अब बिहार के 15 जिलों में मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान खोलने का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि परिवहन विभाग ने इन जिलों में एक एक संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है। सबसे खास बात यह है कि संस्थान खोलने वालों को सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। संजय कुमार अग्रवाल की माने तो सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग 15 जिलों में एक एक अतिरिक्त ड्राइविंग स्कूल खोले जाने की मोटर वाहन चालान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने जा रही है, जिसको लेकर ही अनुदान की राशि देने का ऐलान किया गया है। योजना के अनुसार 3 कोटि के जिलों में फिजिकैलिटी के आधार पर 59 चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की योजना फिलहाल चल रही है। वहीं जिन 15 जिलों में परिवहन विभाग ड्राइविंग स्कूल को खोलने की योजना बना रहा है, उसमें नालंदा, गया, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, गोपालगंज, पटना, वैशाली, पूर्णिया, किशनगंज, कैमूर, नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और जमुई जिले का नाम शामिल है। इन्हीं जिलों में एकत्रित संस्थान की स्थापना किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस तरह राज्य में कुल 74 वाहन प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना परिवहन विभाग ने बनाई है, जिसमें तेजी से काम भी किया जा रहा है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए और त्रुटि मुक्त चालान दक्षता जांच करवाने के लिए ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण भी जोर शोर से किया जाना है। पटना और औरंगाबाद की बात करें तो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चालान जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि अरवल और गया जिले में इसका निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले उसी ऑटोमेटेड जांच की जाएगी, यानी कि अब आने वाले समय में बिहार के किसी भी जिले में लोगों को गाड़ी सीखने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब गाड़ी सीखने के लिए बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल मौजूद रहेगा। इतना ही नहीं, बिहार के 15 जिलों में तो एक से ज्यादा ड्राइविंग स्कूल आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आम लोगों की समस्या भी खत्म होगी और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अनियंत्रित गाड़ियों की चपेट में आने के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन ड्राइविंग स्कूल खुल जाने के कारण लोग अच्छी तरीके से ड्राइविंग तो सीख ही पाएंगे, साथ ही ड्राइविंग सीखने के बाद ही लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।